बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो एसटीएस का पेपर हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी का, इसके पार्ट थ्री जी के पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश करती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू पीकेआर? क्वेत दिनार, तो इसका ऑप्शन सी कर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज? इंडिया का दार हुकूमत न्यू दिल्ली है, ऑप्शन डी कर है। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ओनली वन मून? दरजील में कौन सी सियारे में सिर्फ एक चांद है, तो इसका ऑप्शन सी कर होगा, अर्थ। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद सिंध? मंदरजील में से किसकी सरहद सिंध से नहीं मिलती, तो इसका ऑप्शन सी कर होगा, खैबर पख्तूनख्वा। 64 नंबर क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? सबसे सरतरीन बराइजम एंटार्क्टिका है, ऑप्शन ए कर होगा इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज इट्स मेंबर? सरक, ऑप्शन डी कर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज डेमोक्रेसी स्टेट? ऑप्शन सी कर है। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? अरबिक, ऑप्शन ए कर है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द सिंध प्रोविजनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन? सिंध के सूबाई म्यूजियम हैदराबाद में वाक़ है, ऑप्शन बी कर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कितने मेंबर है? 15, तो इसका ऑप्शन सी कर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल इज द ओल्ड नेम ऑफ? कॉन्स्टेंटिनोपल किसका पुराना नाम है? इस्तांबुल, तो इसका ऑप्शन डी कर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ कीविज इज? लैंड ऑफ कीविज किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को, तो इसका ऑप्शन बी कर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एशियन कंट्री? मंदरजा झील में कौन सी एक एशियन कंट्री है? थाईलैंड, तो इसका ऑप्शन बी कर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एट चौगी? ऑप्शन ए कर है। 75 नंबर क्वेश्चन है, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है, तो इसका ऑप्शन यहां पर बी कर है। नेक्स्ट एवरीडे साइंस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड इन द सॉइल टू मेक अप एनी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड? हम मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरा करने के लिए कौन सी सब्सटेंस ऐड करते हैं? फर्टिलाइजर्स, तो इसका ऑप्शन यहां पर ए कर है। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड? दरजेन में कौन सा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है? कैंडल वैक्स, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए कर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज फॉर रेडियोथेरापी टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स? दरजेल में कौन सा एक आइसोटोप है जो कि कैंसर की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कोबाल्ट 16, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कर है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ फॉसिल्स? इसका ऑप्शन यहाँ पर बी कर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल चेंज? नो चेंज एंड कंपोजिशन, इसका ऑप्शन यहाँ पर डी कर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन विच लाइट रेज फॉल ऑन एनी मटीरियल ऑब्जेक्ट एंड दीज रेज बाउंस बैक इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए कर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द फ्रिक्शन? दरअसल जेल में कौन सा एक फ्रिक्शन को कम करता है? रेडियस एंड ग्रोज, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, द मेज सीड इज सराउंडेड बाय अ सीड कोट एंड इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोफिल, ऑप्शन सी कर है। 84 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ बायोग्रेडेबल मटीरियल? दरअसल जेल में कौन सा नॉन बायोग्रेडेबल मटीरियल है, यानी जल ख़त्म नहीं होते, सालों तक रहती है? प्लास्टिक, ऑप्शन ए कर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन इमर्ज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड
एफिजियल जर्मिनेशन, इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कर है। दोस्तों इसके बाद बाकी सवाल नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।